against Pakistani spinners. These are some spectacular stats. This is him against Pakistani international cricket, both pace and spin. But आप जरा वो देखिए कि जो स्ट्राइक रेट है इनका स्पिनर्स के खिलाफ, और ये एक दफ़ा भी आउट नहीं हुए पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ अभी तक जितने मैचेस ये खेले हैं. हाउ डू यू टेक ऑन हार्दिक पांड्या टुमारो शोएब? यू मीन द स्पिनर्स और द टीम? एज अ टीम, एज अ टीम, हाउ डू यू टेक ऑन हिम? आई मीन इफ यू, इफ ही कम्स अगेंस्ट आवर स्पिनर्स और आवर फास्ट बॉलर्स. आई थिंक उसको अगर हम उसकी कुछ वीडियोज भी देखें ना, सो where he's practicing against spin. देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है. वसीम अकरम, वकार, मिसबा, शोएब मलिक. यहाँ पर बात हो रही है हार्दिक पांड्या के बारे में मैच से पहले, और हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को लेकर काफ़ी फोकस है. हालांकि मैं सोचता हूँ कि यार रोहित, विराट और केएल राहुल को तो बिल्कुल लाइटली लिया जा रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे शाहीन अफरीदी आएगा और उनको एकदम से ले जाएगा. ऐसा हर बार नहीं होता भाई, हर बार नहीं होता है. ऑब्वियसली केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मुझे ऐसा लगता है ये तीनों ही ना, तीनों ही मैच ख़त्म करेंगे या चेस करेंगे या यही ये मैच के बड़े हीरो कल के. सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या को उतनी ज़्यादा बैटिंग मिलेगी नहीं. पहले ये वीडियो देखते हैं, वीडियो को लास्ट में करते हैं डिटेल में बात. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एंटीसिपेट बताया है लेकिन निकला नहीं गया ब्लॉक से. आप क्या लो जी, अब हो गया नींद का टाइम. गो ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मूव ऑन. So I'll come back. This is a very serious point here, guys. Yes, I know, very serious. नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था, डेढ़ दो साल कोचिंग की है तो वो ये चीजें बताई तो होंगी तुम लोगों ने यार उनको. हमें बताना नहीं आया. नहीं बताया था. Mizbah is trying to get out of that one now. हमें बताना ही नहीं आया. मेरा कसूर है. प्रैक्टिस सेशन मैंने तुम्हारे देखे ना, मैं इंग्लैंड में बबल में था आप लोगों के साथ. अब सुबह 7:30 निकलते थे और शाम जब सूरज ढलता था तब अब वापस आते थे. कोशिश तो बड़ी की. यू गाइस एक्चुअली डिड. आई वाज यूज्ड टू वॉच मिसेल्फ. लेकिन या बिकॉज़ आपके साथ एक्स्ट्रा लड़के भी थे, उनकी भी प्रैक्टिस करानी होती थी. आपने मैच भी हो रहा है इधर. बड़ी बड़ी फटीग चली है. ऐसा टू मंथ्स यू गाइस वर देयर. या बट देन अगेन आई मीन इट्स फील्डिंग, यू नो, इट्स ऑल कम टू द इंडिविजुअल, हाउ यू नो badly you want to become extra. He's a good fielder, he can explain us. So ye nahi ki aapne team ne jo 15 minute fielding ki hai ya 20 minute ki hai ya aadha ghanta ki hai wo kar lo, uske baad aapko actually extra karni padegi on your own. That's where you become one of the top fielders in your side. Forget duniya to baad ki baat hai, pehle apni side ki best fielder banne ki koshish karo. I think that that's a very good approach ki apni side ke andar competitive ho jao. अपना टाइम डिवाइड करें. अगर आप प्रैक्टिस सेशन पे गए हैं तो अगर आपको जितनी भी बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, जो भी करना है, उसके अलावा एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स जिसमें आप कैचेस कर लें, शॉर्ट कैचेस कर लें, बड़े वाले कर लें, ग्राउंड फील्डिंग कर लें. वो आधे ग्लव्स पहन लेते हैं फील्डिंग प्रैक्टिस में. ओके, सीनियर प्लेयर पहन लें, आई एम ओके विद इट. टॉप बैट्समैन आपका पहन लें कि उंगली पे बॉल ना लग जाए. बट यंग लड़का जब आएगा, जब वो आधे दस्ताने पहन के फील्डिंग करेगा प्रैक्टिस में, तो मैच में वो फील ही नहीं आएगी आपको. उसी में उसका ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. वो इसलिए है कि मोस्टली जब आप फील्डिंग सेशंस करते हैं प्रैक्टिस में, तो ये जो है ना, ये वाला एरिया जो पाम का एरिया है, ये अंदर से ना गोश्त फटे हुए होते हैं. तो फिर मैच में आप वैसा हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ये जो हिस्सा है इसको प्रोटेक्ट किया जाए. यू गाइस हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 15 इयर्स, बाबर इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, दीज गाइज कैन ओके. बट यंग कोई बच्चा आ रहा है तो उसको तो ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी ना, उसको तो ये हार्ड यार्ड्स करने पड़ेंगे. और वो फील की बात होती है. तुम लोगों को एक्सपीरियंस है, यू गाइस कैन यू नो कि मैच में डिफरेंट बॉल आता है. प्रैक्टिस में वो ग्लव्स पहनोगे तो वो लगेगा नहीं उंगली पे. जब तक लगेगा नहीं बॉल हाथ आपका सख्त नहीं होंगे तो फीलिंग नहीं आएगी वो. वेरी ट्रू. विद दैट वी आर गोना टेक अ ब्रेक राइट हियर ऑन द पवेलियन, बट व्हेन वी कम बैक देयर इज मोर टॉक ऑन द अदर साइड, स्पेशली अबाउट हार्दिक पांड्या एंड हिज एवरेजेस अगेंस्ट पाकिस्तानी स्पिनर्स. डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग our A Sports, 10 Sports and the ARYZ app, which you can now download on Android as well. See you on the other side of the break. Welcome back from the break. You're watching The Pavilion. I am Fakhri Anam and this is A Sports, also on 10 Sports and the ARYZAP app, which is now also available on Android
TV. My apologies, I said Android before. It was already available on Android, but Android TV, as Vaseem reminded me. With me in the studios, our legends, our national icons, heroes, Shoaib Malik, Misbahul Haq, Waqar Yunus, and Vaseem Akram. Before we went to the break, I was just talking about Hardik Pandya. And if you look at his stats, and we just want to bring them up on your screen against Pakistani spinners, these are some spectacular stats. This is him against Pakistani international cricket, both pace and spin. But aap zara wo dekhiye ki jo strike rate hai inka spinners ke khilaf, aur ye ek dafa bhi out nahi hue Pakistani spinners ke khilaf abhi tak jitne matches ye khele hain. How do you take on Hardik Pandya tomorrow, Shoaib? You mean the spinners or the team as a team? As a team, how do you take on him? I mean, if you if he comes against our spinners or our fast bowlers, I think usko agar hum uski kuch videos bhi dekhe na, so where he's practicing against spin, तो वो जो क्लोज बॉल्स करते हैं, जो मतलब जिसको आप कहते हैं कि बैट्समैन के नज़दीक आप बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वो बहुत सारे शॉट्स खेलते हैं. लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने उसको शॉर्ट बॉलिंग की है, कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी छक्के मारते हैं अगली बॉलों को, तो हमारे स्पिनर्स उसको ना शॉर्ट बॉलिंग करते हैं. मेरे हिसाब से उसको शॉर्ट बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, उस पर अटैकिंग ऑप्शन रखना चाहिए. ये सूर्या है, ये लग रहा है उनको भी नींद आ गई है. हाँ, उधर भी ये सूर्या कुमार यादव है भाई, उनका अगला सेट था बट आपने चला दिया. ये तो मुझे ये लगता है कि उसको ना अटैक करें, स्पिनर्स जो हैं उसको अटैक करें बाय बॉलिंग बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पे, ताकि उन पे वो चांसेस ले, तो ज़्यादा चांसेस है उनको उनके आउट होने का बनिस्बत आप उनको बैक फुट पे बॉलिंग करें. नाउ अभी उन्होंने चला, ये अब आ गए हार्दिक पांड्या. नाउ सॉरी अबाउट दैट, वी अपोलोजाइज, गॉट द रॉन्ग प्ले देयर. But look at that, Waqar. Look, he's got a very fast hands, remember that. So he hardly moves out of his crease, he stays very still. Or even jo Malik ne baat ki hai na, ki to the spinners, he hardly uses his feet and come down to the pitch and then hit it. He waits for the bowlers to come to him. Kyunki fast hands hain, that is why he even jo short ball bhi hai na, usko bhi he just picks it up and hits it big. Yeah. Mm-hmm. It's a difficult task. It's a very difficult task for the spinners, especially when it's not spinning. It is difficult. So, ideally, against playing against India, get early wickets, get him in early, and then he struggles a little bit. You give him more overs, then there is chance that you'll pick him. एक चीज थोड़ी important होगी कि ये जितने स्टैट हैं, ये नॉर्मली जो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट खेला वो इतनी बड़ी बाउंड्रीज और इतने बड़े ग्राउंड्स पे नहीं खेला. अभी मेलबर्न की बाउंड्रीज जिस तरह की हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे यू कैन एक्चुअली बोल द स्पिनर्स, क्योंकि उस तरीके से बाउंड्री आपकी क्लियर नहीं होगी. वो बेसिकली बड़ी हिट्स पर रिलाई करता है, तो आई थिंक थोड़ा सा ये चीज़ भी हमें जहन में रखनी होगी, स्पेशली इन मेलबर्न, के हमने स्पिनर्स को इन बैट्समैनों के अगेंस्ट कैसे यूज़ करना. मिसबा, मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखा है, इज डेवेस्टेटिंग व्हेन इट कम्स टू हिटिंग, ही इज़ अ वेरी गुड हिटर. सो जो आइडियली गेट हिम अर्ली, व्हेन यू गेट हिम इन अर्ली, देन व्हेन ही इज मोर बॉल, देन ही स्ट्रगल्स अ लिटिल. हां, अर्ली आता है तो उस पे अटैक रखो, एज फास्ट बॉलर्स ले, ट्राई टू गेट हिम आउट, लेके आओ और उस पे अटैक रखो, एंड देन सी व्हाट हैपेंस. आई कैन एक्सप्लेन अ बिट. Short piece, go for it. Go for it. Spinners जो हैं उसको absolutely go for it. Absolutely. Normally अगर वो आखिरी चार या पांच overs में आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चार last चार overs में I don't think so कि spinners will be bowling at that time. So we've got Shoaib Malik here. Shoaib is going to give us a little bit of a demo here on Hardik Pandya. देखें, Hardik Pandya को जब आप back foot पे spinner bowl करता है, तो उनका फ्लो बहुत अच्छा है और वो स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए इधर शॉट खेलना भी और सामने भी खेलना और ऑन साइड पे भी खेलना जो है ना, वो बहुत इजी हो जाता है. तो मेरा ये पॉइंट है कि जब आप उनको क्लोज बॉल करेंगे, तो उनको उनके ये जो पैर हैं ये हिलाने पड़ेंगे. सो यू आर सेइंग कि अगर बॉल ये लेंथ आप बता रहे हैं कि जिस पर पुल मारते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो ना वसीम वकार भाई ने भी कहा है, यूजली यहाँ पे करते हैं जी, जैसे वकार भाई ने भी कहा है उस. तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है और किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहे हैं. स्पेशली मुझे वसीम अकरम पर्सनली बहुत पसंद है,
मिसबा उलग भी काफ़ी सेंसिबल हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल हैं। पाकिस्तान में तीन चार लोग ही सेंसिबल हैं, मिसबा उलग, वसीम अकरम, यूनिस खान, शोएब मलिक भी उस कैटेगरी में आते हैं। बाकी लोग तो कभी ना कभी अपना असली चेहरा दिखा चुके हैं, जैसे वकार लाइव शो में लास्ट ईयर बोल गया था कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, मतलब जिहादी ने अपनी सोच जाहिर कर ही दी थी। ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ये पॉर्न वीडियोज़ भी लाइक करते हुए पकड़ा गया है। हालाँकि पॉर्न वीडियोज़ देखने या लाइक करने में कोई बुराई नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बींग जो इंसान है जिसके अंदर हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं वही करता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। बट आप पब्लिक फिगर हो, आप ऑफिशियल तौर पर ट्विटर पर ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बुराई नहीं है, कर सकते हो, बट आप एक पब्लिक फिगर हो तो लोग आपको ट्रोल करेंगे। हालांकि ये टॉपिक से डिफरेंट बात कर रहा हूँ मैं। बात करते हैं कल के मैच के बारे में। दोस्तों मुझे लगता है कल का मैच जो भी टीम टॉस जीत रही फटाक से वो बाद में बैटिंग करे, अगर बारिश की आशंका है तो डेफिनेटली डकवर्थ लुईस नियम का उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले बैटिंग करने के बाद दिमाग में ये रहेगा कि यार बारिश आई तो कितना टारगेट होगा, ये होगा वो होगा, तो इससे अच्छा फिर ऐसा सिस्टम करो कि भाई बाद में बैटिंग करो। और अगर टॉस हार गए हो तो फिर एक चीज़ हो सकती है कि आप पहले बैटिंग करके बड़े से बड़ा टारगेट सेट कर दो, जिससे कि बाद में बैटिंग करने वाली टीम को डिफ़िकल्टीज़ हों। और गौतम गंभीर ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले, शाहीन अफरीदी को आप बहुत ज़्यादा ऑरा बना रखे हो, ऑर्डनरी बॉलर की तरह खेलो। आपको याद होगा मिचेल स्टार्क जब स्टार्टिंग में आए थे, तो मतलब 2015 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में तो बहुत पहले डेब्यू किया था उन्होंने, बहुत डेंजरस बॉलर थे, उनको खेलना बहुत मुश्किल था। अब मिचेल स्टार्क के साथ ऐसा हो चुका है कि यार उनको बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई होती है, तो शाहीन के साथ भी ऐसा कर सकते हो आप, थोड़ा सा डेंजरस अप्रोच रखो, यंग बच्चा है, इधर उधर होगा। हालांकि बॉलर बहुत ही अच्छा है वो, नो डाउट बॉलर बहुत अच्छा है, कम बैक मैच होगा उसका बहुत दिनों के बाद, तो थोड़ा सा या तो उसको आराम से खेल लो या तो थोड़ा सा अटैकिंग खेल लो, एक दो ओवर अटैकिंग खेलोगे अपने आप उसका रिदम बिगड़ेगा तो शायद वो डिस्टर्ब हो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज़।